तो बताइए क्या सीखे प्रभु में इन 3 दिन में, 2 दिन में। सत्य से कमर बांधना है, विश्वास की डाल, सुसमाचार का संगति में बने रहना है, वेरी गुड, और विश्वास का ढाल, विश्वास हमें प्रोटेक्ट करता है, हालेलुया, विश्वास हमें बचाता है, हमारे विश्वास की, हाँ जी, धार्मिकता का झेलम, हालेलुया, धार्मिकता का झेलम क्या है, बोलिए, जिसको मालूम है बताइए, धार्मिकता का अर्थ क्या है, हाँ जी, विदाउट फॉल्ट, धार्मिकता का मतलब ब्लेमलेस, दोष निष्कलंक रहना, उसे धार्मिकता कहा जाता, धर्मी कहा जाता। विश्वास कैसे आया हमें, सुनने से आया, क्या आपने खुद विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर? विश्वास हमने अपनी भावनाओं से नहीं किया है, लेकिन ये परमेश्वर का फेवर है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए उसने हमें वरदान दिया है विश्वास को, पवित्र आत्मा की ओर से हमें विश्वास मिला है, परमेश्वर की ओर से हम खींचे गए, और परमेश्वर ने यीशु को प्रकट किया, और यीशु ने पिता को प्रकट किया, और पाखरू की मदद से हमने विश्वास किया, ऐसे हमने मुक्ति पाया, उद्धार पाया, हालेलुया। और क्या सीखे शुक्रवार को, क्या सीखे वचन खाना? हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन में से, एफिसियों 6:10 हमने सीखा था, परमेश्वर प्रभु में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक एक लाइन हमने सीखा है इसमें, ये वचन जब भी पढ़े ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी तरह से हमारे अंदर बैठ जाए, ताकि इसको जब भी पढ़े एक एक लाइन का हमें जो याद आए वचन, हमने क्या क्या बातें इसमें से सीखी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ठीक है, 2 बार लिखा है परमेश्वर के हथियार बांधने के लिए, एक शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने में ये हथियार मदद करेंगे, और दूसरा बुरे दिनों का सामना करने में, बुरे दिन जब लोग आपको सताएंगे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्टैंड फर्म, जब सताव होता है आपके सामने, आपके बच्चों को मार देंगे, कैसे खड़े रह पाएंगे यदि ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होंगी, आपसे सवाल करेंगे यीशु का इनकार करो नहीं तो आपके बच्चों को मार देंगे, क्या करेंगे तभी? प्रभु करे ऐसा हो, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बच्चों के माता पिता को पीट रहे होंगे, यीशु का इनकार करो नहीं तो आपके माता पिता को मार देंगे, क्या करेंगे बच्चे? ये कहने में बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल, अनटिल एंड अनलेस ये आर्मर हमारे पास, विश्वास की ढाल, सच्चाई का कमरबंद, चाहे कुछ भी हो मैं सच्चाई को अपने जीवन से दूर नहीं करूंगा। सच्चाई क्या है? यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा प्रभु, हालेलुया, ये सच्चाई है। और मेरे जीवन के हालात सच्चाई को बदल नहीं सकते हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियां सच्चाई बदल नहीं सकते हैं, वो सच्चाई हमेशा कमर में बंधा हुआ रहना चाहिए। एक तो शैतान की युक्तियां, शैतान की युक्ति माने वो आपको पाप में गिराएगा, बुराई में डालेगा, तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है, परंतु ये आर्मर पहना होगा, ये सारे शस्त्र सामग्री पहनी होगी, तब आपका खड़े रहने में आपको प्रभु मदद करे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तब आप खड़े रह पाएंगे, तब आप खड़े रहने के लिए प्रभु अनुग्रह देगा, ये होगा आपके जीवन में, धार्मिकता का झिलम, है जी, सच्चाई का कमरबंद, विश्वास की ढाल, पाओं में मेल मिलाप की तैयारी के सुसमाचार के जूते, और उद्धार का टोप। देखिए सब सब जो सामग्री है हर एक का अलग 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 अंग का रक्षा करता है ना, जूता पाओं को बचाता है, कलम ने सीखा, और धार्मिकता जो है झिलम जो है वो ब्रेस्टप्लेट जो है वो आपके चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, हेलमेट जो है वो आपके सर को प्रोटेक्ट करता है, ढाल आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है, जिधर भी वार हो ऐसे घुमाते रहो उसको आगे, अपने सारे हथियार इसलिए पहनने हैं ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाए। आगे लिखा है क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इससे हमने ये भी सीखा था कि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है,
परंतु उनके पीछे काम करने वाली आत्माएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है विरोधियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, दुआ करें। हो सकता है परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे दे आपकी प्रार्थना से। तो उनके साथ झगड़ना लड़ना नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह हमें सिखाता है। उसके पीछे कारण ये है कि दुश्मन वो नहीं, दुश्मन उनके पीछे काम करने वाली शक्तियां हैं जो उनकी बुद्धि को पकड़कर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो ये संभव तभी होगा जब हमारे पास परमेश्वर का हथियार शस्त्र वस्त्र होगा, तभी संभव होगा। विश्वास की ढाल, जब लोग आपको सताते हैं तो विश्वास की ढाल में आप छुप जाते हैं, मेरा भरोसा तो परमेश्वर ही होगा, है ना। पुराने नियम में भी आप देखेंगे जिस मर्जी संत की, सेवक की या नबी की, परमेश्वर के भक्त की, किसी भी की, किसी की भी उदाहरण आप उठा लेंगे, आपको उनके जीवन में ये शस्त्र दिखेंगे। मेंशन नहीं है, लिखा नहीं है कहीं पर, लेकिन दिखाई देंगे। सद्रक मेशक अबेदनगो में आपको ये हथियार दिखाई देंगे, है जी, और दानियल में और अन्य नए नियम के प्रेरितों में, पुराने नियम के नबियों में, परमेश्वर के भक्तों में, जोशुआ में, मोसेस में, सब में आपको दिखेंगे ये। इनके बिना जो है हमारा मसीही जीवन में सर्वाइव करना मुश्किल है। विश्वास चला गया तो क्या, कुछ भी नहीं है फिर। अगर आपकी धार्मिकता चलेगी, इजिकल 18 में हमने कल पढ़ा कि अगर धर्मी जन फिर कर बुराई के काम करने लग जाए तो उसके पहले धर्म के कामों का भी स्मरण मिट जाएगा, मतलब धार्मिकता की झलम चलेगी तो भी खत्म। तो ये सब के सब हमें हमारे शरीर पर चाहिए, हमारे आत्मा पर चाहिए। हालेलुया। उद्धार का टोप, उद्धार ही चला गया तो फिर पीछे क्या रह गया, है ना। सब जरूरी है, सच्चाई से कमर बांधते हैं, अगर सच्चाई चला गया तो फिर शर्म महसूस होगी, हमें नंगापन आ जाएगा, पतलून नीचे गिर जाएगा, जूता नहीं है पाँव में। उसका उदाहरण मैंने आपको एक बार बताया था जब मुझे स्वप्न आया था, सुसमाचार का जूता कितना महत्व रखता है, मेल मिलाप का जूता, समझ में आ रहा है। हालेलुया। आपस में भी मेल मिलाप हमारे जीवन में होना चाहिए, घर में मेल मिलाप रखना हमारा। अगर आप किसी घर, आप घर में यदि क्लेश करने वाले हैं तो आज सुधार कर लीजिएगा, इसका मतलब आपके पाँव में वो जूता नहीं जिससे मेल मिलाप होता। कल मेल मिलाप के बारे में हमने सीखा था, मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे कर लिया, और मेल मिलाप का वचन दिया, मेल मिलाप का सेवा दिया है, सब कुछ मेल मिलाप के सब चीज़ें जो भी हम ये भी कर रहे हैं सब उनके सबके पीछे कारण मेल मिलाप है, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में चलें, हमारा आपस में भी मेल मिलाप हो और हमारा परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप हो। तो इनमें से कुछ भी जाएगा तो पूरा का पूरा ही लाइफ डिस्टर्ब आपका हो जाएगा। इसलिए ये सारे होने चाहिए, बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब विश्वास की ढाल ही नहीं होगी तो फिर शैतान जो भी लेकर आएगा, थोड़ी सी समस्या लेकर आ गया, थोड़े से जलते तीर उसने आपकी ओर फेंके, वो आप विश्वास में रहेंगे नहीं, क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं। कई लोग बिना विश्वास के भी मसीह में है, पता है ना, बिना विश्वास के जो लोग आ जाते हैं किसी ना किसी बहाने से, लेकिन विश्वास उनमें नहीं है। उनको किसी ने बता दिया यीशु के पास आओ आपको ये मिलेगा तो वो सुनकर आ गए वो, लेकिन उनको परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कल भरोसे के बारे में हमने सीखा, विश्वास के नहीं कि मैं परमेश्वर से ये पा सकता हूँ, परमेश्वर से ये पा सकता हूँ, मुझे ही परमेश्वर से धन दौलत मिल सकता है, परमेश्वर से मुझे गाड़ी मिल सकता है, ये नहीं। जो परमेश्वर ने दिया है पहले वो लो। क्या दिया है परमेश्वर ने? धार, पापों की क्षमा, उसकी ओर ध्यान नहीं है किसी का। आज कलीसिया में भीड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उनको किसी ने बता दिया कि हमें ऐसा ये चीज, हम उधर गए, उधर ये हो गया, हमें ये मिल गया, तो इसलिए वो आ जाते हैं। परंतु यीशु मसीह पर वो असल विश्वास कि उसने मेरे पापों के लिए जान दिया करके उनको विश्वास
परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, तो विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा समस्या आ गया। मैंने कितने लोगों को देखा, ये हमारे साथ एक बहन जुड़े हैं, सिस्टर रितु सिस्टर, इनके पति पहले विश्वासी थे, यीशु मसीह के वचनों को उन्होंने सुना, चर्च जाते थे, लेकिन उनके माता की डेथ हो गई और वो फिर प्रभु को छोड़कर चले गए। वो माता के लिए ही गए थे, माता पहले ठीक हो गए, वो विश्वास किया, विश्वास मतलब वो विश्वास विश्वास नहीं होता, जो जो इंसान को परमेश्वर विश्वास देता है वो विश्वास इतनी आसानी से जाता नहीं है, वो भावनाएं होती हैं। हाँ मैं मुझे विश्वास करो, पास्टर पूछता है विश्वास करो प्रभु ये कर सकता है, तो हाँ हम कहते हैं हाँ हमें विश्वास है प्रभु ये कर सकता है, असल में वो विश्वास होता नहीं है, वो भावनाएं होती हैं। और जब फिर थोड़े से जलते तीर आते हैं तो फट से विश्वास निकल जाता है, क्योंकि विश्वास तो होता ही नहीं, वो भावना होती है, और ढाल तो है ही नहीं आपके। अब पौलुस कहता है अपने विश्वास की रखवाली करो, है ना, विश्वास होगा तो रखवाली होगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग चर्च में एंटर हो जाते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता। ये बहन तभी विश्वास में नहीं थी, ये बाद में विश्वास में आई। तो वो जेन्युइन विश्वास जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता वो ऐसा होता है, कुछ भी हो जीवन, ये मार खाए हैं अपने पति से, अपने ससुराल वालों से मार खाए हैं यीशु मसीह के खाते, ये जो विश्वास होता है ये जीवन में जितने मर्जी तीर आए जाए ये रोक लेता, ये विश्वास ये होना चाहिए हमारे अंदर, समझ में आया। तो विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। फिर आगे है उद्धार का टोप, उद्धार मुक्ति नजात, उद्धार का मतलब क्या है, नजात या छुटकारा, पापों से छुटकारा। हालेलुया। कार्य की जरूरत तभी पड़ती है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जब किसी चीज के अंडर हम या बॉन्डेज में या किसी बंधन में या गुलामी में हम होते हैं, छुटकारे की आवश्यकता तभी होता। अब हमारा उद्धार हुआ किस चीज से, उद्धार हुआ बोलिए, हाँ जी, पाप के बंधन से, बहुत चीजों से हुआ, शैतान के गुलामी से, पाप की गुलामी से, इस संसार की अभिलाषाओं से, सब चीजों से वो उद्धार देता। आप जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो पिता के पास आता है, वो पढ़िए वचन, वो इब्रानियों 7:25 कलम सीख रहे थे कि यीशु मसीह कहता है मेरे बिना तुम्हारा परमेश्वर के पास पहुंच नहीं हो सकता। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कैसा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं, कैसा, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हम अंश अंश करके पूरा उद्धार पाते हैं। उद्धार जो है वो एक बार में तौबा करने से उद्धार हो गया, ऐसा नहीं है। उद्धार का काम शुरू होता है जब हम तौबा करते हैं। हम एडवांस में कहते हैं ऐसे कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये भी सत्य है, ऐसा कहना भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उद्धार पूरा पूरा उद्धार क्या, वचन क्या कहता है, हाँ जी, वचन क्या कहता है, वचन कहता है रोमियो 10:8-13 यदि हम पढ़ें तो उधर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हों, देखिए साथ में स्पेसिफिकली बताया गया है कि विश्वास करना क्या है, समझ में आया, आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ये नहीं करना कि मैं यीशु मसीह के पास आया हूं मुझे धन दौलत मिलेगी, इधर खोल कर बताया गया कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से हृदय से विश्वास करे, क्या विश्वास करना, आगे लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। इसका पूरा पूरा अगर आप समझेंगे क्या विश्वास करना है, यीशु इस धरती पर आया, देह धारण करके आया, मनुष्य का रूप लेकर आया और उसने मेरे पापों के लिए सलीब के ऊपर जान दी है, वो मेरा प्राश्चित है, वो पवित्र था, निर्दोष था, शुद्ध था, इसलिए मृत्यु उसको पकड़ कर रख नहीं पाई, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वह जिंदा आसमान में उठाया गया और फिर वापस लौटने वाला है हम सबको लेने के लिए, ये हमने विश्वास करना है, ये है हमारा विश्वास। हालेलुया। और दूसरी चीजों के लिए क्या है, दूसरी चीजों के लिए क्या है, परमेश्वर मुझे वो दे सकता है, वो देना चाहे तो वो मुझे दे सकता है, अगर वो मुझे ना भी दे तो भी ये सच्चाई जो है वो बदलेगी नहीं, ये जो मैंने विश्वास किया मैं ये छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे धन दौलत भी दे सकता है, यदि वो ना भी दे तो भी मैं इस विश्वास को छोड़ूंगा नहीं। विश्वास तो ये है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु मेरे पति को बदले चाहे ना बदले, मेरा विश्वास नहीं बदलेगा, समझ में आया, यीशु मुझे औलाद दे चाहे ना दे, मेरा विश्वास नहीं बदलेगा। हालेलुया, ये विश्वास, सद्रक मेशक एबेदनेगो हमारा बेस्ट उदाहरण है इसके लिए।
हमारा परमेश्वर चाहे हमें बचाए चाहे ना बचाए, तो भी हम किसी दूसरे के आगे नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर तो वही है। हालेलुया। ये विश्वास है, इधर स्पेसिफिक बताया गया है कि हमने विश्वास करना क्या है, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब मेरा सवाल, क्या ऐसा विश्वास करने से सिंपली आपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार कर लिया और आपने हृदय में विश्वास भी कर लिया, हाँ मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा है, क्या इतने में उद्धार हो जाएगा? हाँ जी, उद्धार का काम शुरू हुआ है, लेकिन उद्धार अभी पूर्ण तौर पर हुआ नहीं। इसीलिए हमने इब्रानियों 7:25 में पढ़ा कि जिस जो यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास आता है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा क्या? अब इधर लिखा है जो मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करे और मन से विश्वास करे उन्हीं का उनका निश्चय उद्धार हो जाएगा। यदि आप मरकुस 16:16 पढ़े, उधर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, अभी बपतिस्मा ऐड हो गया इसमें, क्या ऐड हो गया? उधर लिखा है मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे तो उसका निश्चय उद्धार होगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं मार्क 16:16 उधर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, इधर अंगीकार और विश्वास के साथ क्या भी ऐड हो गया? बपतिस्मा भी ऐड हो गया। बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। समझ में आया? अब बताइए, क्या मुंह से अंगीकार करने से और हृदय से विश्वास करने से, मुंह से प्रभु तो अन्य जाति लोग भी कई बार यीशु को प्रभु कह देते हैं, है जी, मुंह से अंगीकार करने से कि वो मेरा प्रभु है, और उसके लिए यीशु मसीह क्या कहता है, सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने पाएंगे, सिर्फ प्रभु प्रभु। उधर बता दिया कि अभी तुम ये पढ़कर ये ना सोच लो कि यीशु को मैं प्रभु बोलूंगा तो मैं उद्धार पा लिया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यीशु क्लियर कर देता है, आगे पीछे पढ़े हैं, बाइबल पूरा पढ़े, आगे पीछे पढ़े क्या लिखा है, वो बोलता है सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने पाएंगे, परंतु वह जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। समझ में आया? तो सिर्फ मुंह से प्रभु कहने से उद्धार नहीं होता है, सिर्फ हृदय से विश्वास करने से उद्धार नहीं होता है, हाँ जी, बपतिस्मा भी लेना है। और ये सिर्फ तीनों कर लिया, मुंह से अंगीकार कर लिया, हृदय से विश्वास कर लिया और बपतिस्मा भी ले लिया, सिर्फ इतना करने से आपका उद्धार नहीं होगा। उसके बाद आपको प्रोसेस में अपने आप को देना। प्रोसेस क्या है? जब प्रेरितों ने प्रचार किया तो लगभग 3,000 ने वचन ग्रहण किया, उन वचन ग्रहण किए हुए लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। जब बपतिस्मा दिया उसके बाद उन्होंने लगातार अपने आप को डिवोटेड किया, दे डिवोटेड देमसेल्व के वे परमेश्वर का वचन सीखें और क्या करें, संगति करें। आप यदि मुंह से अंगीकार किया है प्रभु और आपने हृदय से विश्वास किया है और आपने बपतिस्मा भी ले लिया है, पर आप यदि वचन नहीं सीख रहे हैं तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, आपका उद्धार अभी खतरे में है। कई जगह पर आपने देखा होगा लोगों ने है ना नींवें डालकर छोड़ देते, जमीन खरीदा, नींव डाल दिया और छोड़ दिया, तो आपकी हालत बिल्कुल वैसा ही है, नींव डाला है लेकिन नींव पर ही छोड़ दिया है, आगे का काम क्या हो रहा है, रुका हुआ है। समझ में आया? कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी हैं लेकिन छत नहीं है, हाँ जी, माने अंगीकार किया है, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, वचन सीख लिया है, ऊपर छत ही नहीं है, चलते ही नहीं है उस वचन के अनुसार, तो उद्धार नहीं। क्या उद्धार खो सकता है हमें? हमारा उद्धार खो सकता है? कैन वी लूज आवर सेल्वेशन? हाँ जी बोलिए। उद्धार माने छुटकारा। क्या सच में हमारा छुटकारा हुआ है? फिलिप्पियों 2:12 से पढ़िएगा। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ जी हाँ, अभी मैं इधर से चला जाऊंगा, मैं इधर हूँ तो मेरे सामने रहते हुए आप आज्ञा मान रहे हैं, प्रेम भी दिखा रहे हैं और नम्रता दीनता भी मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन जब मैं इधर से चला जाऊंगा, ठीक वैसे जैसे पौलुस फिलिप्पिया की कलीसिया को कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार एक उसारी है ना ठेकेदार साहब, क्या है उद्धार? एक उसारी है, एक इमारत है जो आप बना रहे हैं, और कईयों का तो काम रुका हुआ है, उसारी रुकी हुई, रद्दे के ऊपर रद्दा रखना बंद कर दिया, छत डाला नहीं, वो बिल्डिंग जो है खड़ा किया है वो किसी काम का बिल्डिंग नहीं, वो रहने लायक नहीं है। समझ में आया? तो लगातार इस पर काम चलता रहना चाहिए उद्धार का।
यानी कहता विशेष करके अब जब मैं दूर हो जाऊंगा आपसे, तब भी ऐसे ही कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कई लोग भूल जाते हैं, ये वचन मैंने बहुत बार सिखाया है, अपने झुंड को भी सिखाया है बहुत बार, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारे उद्धार का काम चल रहा है। लोग भूल जाते हैं कि हम एक युद्ध में हैं, अक्सर भूल जाते हैं। संसार में चलते वक्त और इधर उधर के कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम युद्ध में हैं। आपका सेंसेस इतना शार्प होना चाहिए, क्या बोलना है, कब चुप होना है, ये सब चीज़ें बड़ा गंभीरता रखते हैं। समझ में आया? मैं कई बार किसी के साथ कुछ बात कर रहा हूँ ना, और मेरे बात शुरू करते ही सामने वाला कुछ और टॉपिक पर बात करे और मेरी बात जो है वो कट हो जाए, मैं उसको भी कंसिडर करता हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं ये बात इसको बताऊँ। समझ में आया? इतना हमारा सेंसेस जो है वो शार्प होना चाहिए। समझ में आया? हम लोग तो इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम किसके कहलाते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम उद्धार के काम को पूरा करें। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। आप समझ में आ गया? कल जो बात कर रहा था, विश्वास किसकी ओर से दिया गया है? ये परमेश्वर ही है जो आपके मन में वो अपनी स्वयं इच्छा निमित्त आपके मन में इच्छा और काम, ये परमेश्वर की भली इच्छा थी कि आप विश्वासी बनते, इसलिए उसने आपके अपनी इच्छा के अनुसार आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न की, मैं वचन सुनूं, मैं तौबा करूं, मैं बपतिस्मा लूं, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूं। ये परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा के अनुसार हुआ। आपके अंदर कोई खूबी नहीं, खूबी है हमारे अंदर कोई? ये परमेश्वर की इच्छा से हुआ कि हम उद्धार पाए हैं। हालेलुया। लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। करते हैं बिना कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो ये निकलना है। देखिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बहस नहीं करना। आपको किसी ने बोल दिया कि ब्रदर ये थोड़ा काम कर दीजिए, आप यकीन मानिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। कहता तुमको कोई बोले ना कि मेरे साथ 1 किलोमीटर चल, कहता उसके साथ 2 चलो। चले कभी किसी ने आपको कहा मेरे साथ चल, चले? मुझे कोई पूछता है ना कि ब्रदर मेरे साथ चलो ये काम करके आना, तो मुझे वचन याद आ जाता है। एक दिन हमारा एनिवर्सरी था और सब कलीसिया वालों को भी बुलाया था, हम संगति किए थे, वर्शिप किए थे, प्रार्थना करके अच्छा खाना सबके लिए बनाया, और रात को मुझे कॉल आ गया पास्टर का कॉल आ गया, कहते कि मेरे साथ चलो लुधियाना जाना, वो ठीक नहीं था, सांस बंद हो रहा था उसका, बोले दुष्ट आत्मा का हमला हुआ है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, थके हुए थे, सब तैयारी किया, सुबह से लगे हुए थे काम करने, शाम को संगति है, खाना बनाना है, सब तैयारी किया और वर्शिप किया, प्रार्थना किया, वचन प्रचार हुआ और उसके बाद खाना खाए। पूरा एनिवर्सरी था हमारा, लेकिन वी कुडंट स्पेंड अ मिनट, एक साथ एक मिनट भी हमें एक साथ में गुजारने को नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं सोचा कि नाउ दिस इज द टाइम के मैं अपनी बीवी के साथ समय बिताऊँ। उस टाइम पे पास्टर का फ़ोन आ गया कि जाना। मैंने कहा जाना पड़ेगा। आधी आधी रात को भी हम लोगों के साथ निकले हैं, चले। हमें पता नहीं ये क्यों याद आ जाता है मौके पर, नहीं प्रभु ने कहा है किसी कोई तुम्हें कहे मेरे साथ 1 किलोमीटर चलो, उसके साथ 2 चलो। सुबह 4 बजे वापस आए, 4 बजे उधर से निकले और नींद आ रहा गाड़ी चलाते चलाते। गाड़ी भी उनको नीड था, गाड़ी पर जाना था, तो ऐसा नहीं कि हमारा गाड़ी है हम किसी और को ऐसे नहीं ट्रैवल नहीं लेकर जा सकते करके। हमारा कलीसिया के लोग ये जिनको ग्रुप से निकाला ना, इनको घर से गाड़ी में मैं बिठा कर लेकर आता था संगति के लिए। रिम्पी शायद तभी नहीं थी, समझ रहे हैं आप, एक साथ आ नहीं सकते जी, कोई संसाधन नहीं है। मैंने कहा तुम लोग आने के लिए इच्छा रखते हो, मैं तुमको लेने के लिए आऊँ। कलीसिया को उनके घर से निकाल कर संगति कराया मैंने कि तुम उद्धार पाओ। अभी दुख समझ में आता है आपको कि मैंने क्या क्या किया है? तो जब आप चलते नहीं उसके हिसाब से तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन हाल फिलहाल फिर मैं अंत में क्या करता हूँ, फिर हाल पर छोड़ता हूँ। इसीलिए ग्रुप से निकाला कि संगति नहीं है साथ में, आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। चलो आप अलग देश में चले गए, आपका टाइमिंग बदल गया, संगति में शामिल नहीं होते, लेकिन कभी आपने मुझे लिख कर भेजा नहीं जैम सी की ब्रदर, तो कोई नाता ही नहीं है, तो आप ग्रुप में क्यों बैठे हैं, है ना। तो इसलिए कल हमने शाम को ग्रुप को थोड़ा फिल्टर किया, तो हमें
ऐसा शो करने के लिए नहीं, कितने लोग हैं जी, 70-80 लोग हो गए जी, 100 लोग हो गए, 200 लोग। कल वो ब्रदर बोल रहे थे, कहते गूगल मीट पर मीट करते, मैंने कहा हाँ जी गूगल मीट पर, कहते गूगल मीट का कुछ लिमिट रहता है कि इससे ज्यादा अगर लोगों को ज्वाइन करना है गूगल मीट में तो पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते। मैंने कहा ब्रदर हमें पता नहीं, हम उस लिमिट तक अभी पहुंचे ही नहीं है, समझ रहे हैं, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, ए इनको पूछिए, शांता सिस्टर इनको पूछिए, ये सारे लोग, मैं जब आप एक दो महीना नहीं आए इधर संगति के लिए, मैंने इनको पूछा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो मैंने इनसे पूछा क्या कोई पैसे की तंगी है, कोई तकलीफ है, तो आप उनको बोलिए कि हम भाड़ा देंगे आने जाने का, पर संगति बंद मत कीजिएगा, पूछिए, ऐसा बोला था। अगर आपके आपका प्रभु के साथ चलने के लिए मन, पिछली बार इधर दो भाई लोग आए थे, एक उनमें से ब्लाइंड था, वो लोग, हाँ वो लोग मुझे बोले कि ब्रदर आना चाहते लेकिन हमारे पास आने जाने के लिए नहीं है, उनको आने जाने का भाड़ा देकर हम भेजे हैं। मैं कोई आपको दिखावा नहीं कर रहा कि मैं ये सब काम करता हूँ, बताने के लिए, अगर आपका परमेश्वर के पीछे चलने का मन है, प्राण देने तक खड़े होंगे आपके साथ, प्राण देने तक खड़े होंगे, जो बन पाएगा मुझसे मैं करूंगा, जो मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। अगर कुछ चीज मेरी पहुंच से बाहर है तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैं कर पाऊंगा मैं वो जरूर करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना है, हृदय से विश्वास करना है, और बपतिस्मा लेना है, और संगति करना है, और प्रार्थना में लौलीन होना है, रोटी तोड़ना है, और इन इन इस काम को रिपीट में करते जाना है, तभी उद्धार होगा, नहीं तो भूल जाइए, बीच में ही छोड़ देंगे। समझ में आया? हालेलुया। कई बार हमें चलते चलते ऐसा लगता है हमें उद्धार की जरूरत नहीं है, हमारा हो चुका है, लेकिन उद्धार हमेशा हमारे साथ बना रहना चाहिए। हालेलुया। एक समय यीशु मसीह ने इसराइलियों को, जो फरीसी लोग थे, उनको कुछ बात किया, यूहन्ना 8:32 से पढ़िएगा। हाँ, तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। आगे उन्होंने आगे से उसको जवाब दिया, उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, हमें स्वतंत्रता किस चीज के लिए चाहिए, हम भी ऐसे ही हैं। कभी कभी पाप में हम ऐसे ढीठ हो जाते हैं और हमें हमें हमारे कॉन्शियस में वो आता नहीं है, हमारे विवेक में आता नहीं है कि हम पापी हैं, ऐसा भी हालत हो जाता है। आप बताइए, क्या इजरायली कभी किसी के दास नहीं हुए? ये पूरा पुराना नियम भरा पड़ा है, ये बार बार दास बने लोगों के, बार बार ये गुलाम बने। दास भी चलो ठीक है, एक चार तरह के दास होते, ये दास नहीं, ये लोग गुलाम बनते थे। दास माने उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता, लेकिन ये गुलाम बनते थे। कहता हम अब्राहम के वंश है, हम तो कभी, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो उसको समझा ही नहीं। कहते हम कभी किसी के दास नहीं हुए, बताइए हुए कि नहीं हुए? हैं जी, निर्गमन 2:23 पढ़िएगा, 23 और 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा जो है, जो जोसेफ का दोस्त था, वो मर गया, जो यूसुफ का दोस्त था, जिसने इसराइलियों को पना दी थी कि आ जाओ कोई नहीं, इधर खाना है आ जाओ। सब जगह जब अकाल पड़ा तो याकूब अपने परिवार को लेकर, लगभग 72 पीपल दे केम टू इजिप्ट, तो इधर आकर वो ग्रो किए और बड़े, उनको अच्छा एक रहने के लिए उनको एक जगह मिला, तो वो एक सिटी उनको दे दिया गया रहने के लिए। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, अब बताइए, उधर कह रहे हम कभी किसी के दास नहीं हुए, कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर, कब छूटेंगे, लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई, जो कठिन सेवा के कारण उन्होंने दुहाइयां दी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, हे प्रभु तू हमारा उद्धार कब करेगा, तू हमें कब मुक्ति देगा, तू हमें कब छुड़ाएगा, वो गुहार प्रभु तक पहुंची, पिता परमेश्वर तक पहुंची। पढ़िए, हाँ, वो परमेश्वर तक पहुंची, ईंटें बनाते बनाते जो गुहार लगाई, वो रोना, वो मन का टूटना, वो यहोवा परमेश्वर तक पहुंचा। हालेलुया। पढ़िए आगे इसको, परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके चित्त लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। फिर मूसा से जानते हैं प्रभु क्या कहता है कि देख अब मैं उतर आया हूँ। पढ़ा है वचन में आप, एक्सोडस निर्गमन 3 अध्याय में होगा, 7 वचन पढ़िएगा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, वो लोग लगातार कंटिन्यूसली चिल्ला रहे हैं परमेश्वर के पास कि हे प्रभु हमें छुड़ा, हमें बचा। आगे उसको मैंने सुना है, आगे
उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। हालेलुया, अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया, इसराइल को छुड़ाने के लिए भी यहोवा उतर आया, और आपको और मुझको छुड़ाने के लिए भी वो स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह का नाम रखा गया, यीशु मसीह का नाम रखा गया और स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, पढ़िए मत्ती का 1:21, हाँ, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, देखिए क्यों उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि उसके नाम का मतलब बताया गया है बाइबल में। जब भी आप नामों के बारे में पढ़ेंगे, कहते हैं कि तू है ना, उसका नाम जैसे मूसा का नाम रखा गया, तो वो उनके कहानी से मैच करता। हर एक आदमी का नाम बाइबल में ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता। बाइबल में वो कहता है, तू जो याकूब कहलाता था, अब से तू इज़राइल कहलाएगा। इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर से कुश्ती लड़ने वाला, लड़कर जीतने वाला, लड़कर आशीष लेने वाला। याकूब का नाम बदल दिया। हर एक का नाम, याकूब का नाम का अर्थ होता है धोखा देने वाला, डिसीव करने वाला। तो वो बदला परमेश्वर ने, वो अपने नाम के नेचर के हिसाब से था। उसने अपने भाई ऐसाव को क्या किया, धोखा दिया। हाँ जी, जब फिरौन की बहन ने मूसा को पानी में से निकाला, उसने उसका नाम मूसा ये कह के रखा कि इसको मैंने पानी में से निकाला। मूसा का मतलब है पानी में से निकाला गया। समझ में आया? ऐसे ही जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये है नाम का मतलब, पापों से उद्धार करने वाला, हमें उद्धार देने वाला, उद्धार करता जिसको हम कहते हैं। आपने क्या बोला था, तारणहारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहकर उसका नाम रखा गया, यीशु का नाम का मतलब अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, लूका 2:11 पढ़िए। जब उन गडरियों को, उन चरवाहों को जो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे वहां पर, उनको स्वर्गदूत दिखाई दिए, उनको क्या मैसेज दिया गया, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह भी है और यही प्रभु भी है। मसीह का भी अनुवाद यही है, मसीहा का भी मतलब यही है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 2:30, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने वरदान दिया था कि जब तक वो परमेश्वर के उद्धार को ना देख ले, परमेश्वर के उस मसीहा को ना देख ले, तब तक वो इस दुनिया में जीवित रहेगा। उसको ये वरदान परमेश्वर की ओर से मिला था, वो लंबी आयु का था। पढ़िए 2:30, ऊपर से पढ़िए 2:29, हे स्वामी क्या कहता है, अब मैंने उद्धार को देख लिया, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार, इसको वचन दिया गया था कि तू जीवित रहेगा जब तक तुम मुक्तिदाता को नहीं देखे, क्या कहता है, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार, इसका नाम क्या है, उद्धार, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसका नाम क्या है, उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये खुद ही हमारा उद्धार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे इजराइलियों को उद्धार करने के लिए ये स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर नीचे कहता, मैं उतर आया हूँ। हालेलुया, इजराइली जो है वो, जब इजराइलियों के लिए जब परमेश्वर उनके पास उतरा, वो उनके साथ साथ चला, उनके साथ उनके मध्य में रहा, अब जब वो उतरा था तो वापस लौटा नहीं, वो कुछ समय के लिए उनके बीच में रहा, डिमांड किया कि तंबू बनाऊं, अब मैं तुम्हारे बीच में ही रहूंगा, उनके बीच में रहा। हालेलुया, जब उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, परमेश्वर क्रोधित हो जाता, कहता अब मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा। तो मूसा गिरता है मुंह के बल, प्रभु क्षमा कर, माफ कर। हालेलुया, सो पापों से छुड़ाने वाला। तो इजरायली कहते हैं उधर के, हम तो अब्राहम के दास हैं, अब्राहम के वंश, हम किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह उनको याद नहीं दिलाता तुम किस किस के दास रहे हो, वो कहता सबसे बड़े दास तो तुम पाप के ही हो, तुम पाप करते हो तो तुम पाप के क्या हो, दास हो। पाप एक ऐसा क्रूअल मास्टर है जो बड़ी निर्दया से वो हमें पीठ पर कोड़े मार के पाप कराता है। पाप मैं जीवन जब हमने जिया तो उसको याद करें, करने का मन नहीं है, नहीं करना चाहते, ऐसे कैसे नहीं करना चाहते, करना पड़ेगा, फिर वो कर ही छोड़ेंगे। ऐसा गुलामी में चले हैं, वापस जाना चाहते हैं, वापस उस बुराई में जाना चाहते हैं, मिस्र के जैसे जैसे इजरायली लोग
उनको पापमय जीवन, गुलामी का जीवन बड़ा याद आता था। कहते उधर मछली मिलता था, उधर तरबूज मिलता था, प्याज लहसुन मिलता था। पापमय जीवन आपको बहुत कुछ देता है, साथ में पीठ पर कोड़े भी देता था, वो भूल गए। हम भी ऐसे ही, हमें पुराना जीवन, कई लोग पापमय जीवन को याद कर करके बोस्ट करते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं जब विरोध होता है ना, वीडियोस कोई डालते हैं। मैंने कईयों को कमेंट करते हुए देखा है कि ये तो यीशु मसीह ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, नहीं तो हम ये कर देते वो कर देते। वो मतलब कहीं ना कहीं अंदर अभी भी छुपा हुआ है, समझ रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा कि जब कब वो यीशु मसीह से अपने हाथ छुड़ा लेंगे, मतलब अंदर वो चीज अभी भी है। मैं यीशु के कारण चुप हूं, नहीं तो बता देता मैं तुझे। मतलब वो अंदर अंदर उबल रहा है कुछ अंदर। जो प्रभु में बड़े हुए होते हैं, जो धर्मी की संतान होती ना, वो अपने माता पिता को चलते हुए देखती है। माता पिता ठीक चले तो बच्चे भी ठीक। जानते हैं, पता है, उदाहरण है, जकरिया एलिशबा दोनों धर्मी थे। उनका पुत्र क्या था बताइए, क्या था उनका पुत्र? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका पुत्र था। हालेलुया, हमने तो वो नबी को बड़ा ही देखा है, जंगल में प्रचार करता है। छोटा भी था ना वो, उसको रेज किया उन्होंने, प्रभु में बढ़ाया उसको। हालेलुया, कितना गंभीर है, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा पुराना जीवन अंदर रहता है, तो वो ट्रांसफर होगा बच्चों में भी। कई लोग कहते हैं वो तभी दोस्त होते थे, वो मिलकर बैठते थे, बड़ा मजा आता था, ऐसा याद करते हैं। वो याद करके आपने खुश नहीं होना, वो याद करके आपने अपने आप को कोसना है कि तू क्या कुछ किया है। शर्म कर वापस लौटने का नहीं, इसराइलियों के जैसे मिस्र को लौटने का मन नहीं बनाना। वो चेतावनी देता है बार बार, मिस्र को ना लौटना। एंड तक वो बोला है मिस्र को ना लौटना। तो अब क्या मिस्र में ना जाए? आपके ब्रदर मिस्र गए, इजिप्ट भी गए, तो उधर कनेक्ट हुआ, तो उनको पढ़ाना था। बाइबल में लिखा मिस्र को नहीं जानेगा। अभी भी मिस्र में ही है, इधर इंडिया में रहते हुए भी मिस्र में है। ऐसा ही हमारा भी जीवन, यदि हम आज भी पाप में हैं, तो हम मिस्र की गुलामी में। क्रूअल मास्टर है पाप, क्रूअल मास्टर, जो पाप के करने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देता है। रोमियो 6 में लिखा है वह उसका दास है, पाप का दास। कहता अपने शरीरों को, पढ़िए वो रोमियो 16:6-12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें, आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो वापस अगर छूटे हैं, यीशु मसीह उद्धार करता ने यदि आपको पापों से छुड़ाया है, तो लौट कर पापों के दास ना बनिएगा। समझ में आया? जैसे इजरायली मिस्र को लौटने के लिए तैयार रहते थे, हमने वापस पापों में लौटने वाला जीवन नहीं बिताना। आगे पढ़िए 14। हाँ, जब आप अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए देंगे, तब पाप की प्रभुता, यदि आप इन शस्त्र बस्त्र को पहनकर चलेंगे, तब पाप की प्रभुता आप पर ना होगी। आगे, क्योंकि तुम नहीं वर्ण अधीन हो। हालेलुया। 15, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें? हाँ जी, कदापि नहीं। हाँ, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, जिस चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। अब हम किसके गुलाम हैं? धार्मिकता के गुलाम। इसीलिए कोई बुलाए तो उनको जाने से, उनके साथ जाने से मना हम कर नहीं पाते हैं। बनते हैं गुलाम आप, धार्मिकता गुलामों के जैसे करना है हमने। समझ में आया? कोई आपसे कुछ मांगे, आप मना कर ना पाओ, ये है गुलाम, भलाई के गुलाम। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के गुलाम होना। कोई आपसे कोई मदद मांगे, आप उनको मना ना कर पाए, आपके पास हो तो। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा उद्धार है। हालेलुया, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, विश्वास से हमारा उद्धार होता है, बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार होता है, यीशु के पीछे चलने से हमारा उद्धार होता है। मत्ती 23 में जब वो महाकलेश की बातें बताता है और सताव की बातें बताता है, अलग अलग ट्रिबुलेशन आएंगे, अलग अलग जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, देश देश पर चढ़ाई करेगा, उधर भी लिखा है 13 आयत पढ़िएगा, 24 का 13 माफ कीजिए, जो अंत तक धीरज धरा रहे उसी का उद्धार होगा। अब ना तो मुंह से अंगीकार करने से, ना हृदय से सिर्फ विश्वास करने से, ना सिर्फ बपतिस्मा लेने से, ना सिर्फ प्रभु प्रभु का गीत गाने से, ना सिर्फ वचन सीखने से, ना सिर्फ चर्च जाने से, ना सिर्फ रोटी तोड़ने से,
ये सारी की सारी चीजें जब मिलेंगी मिलाकर आपके जीवन में संपूर्ण, इसीलिए उधर इफिसियों में हमने क्या पढ़ा कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये सब कुछ पूरा होगा तो आपका उद्धार होगा। समझ में आया? यदि आप संगति करते हैं, प्रभु को प्रभु जानते हैं, हृदय से उसका भय मानते हैं और बपतिस्मा लिए हैं, उसका वचन सीखते हैं, कलाम सीखते हैं, संगति करते, रोटी तोड़ते, प्रार्थना में लगे रहते हैं और उसके कलाम के अनुसार चलते हैं, तब आपका उद्धार जो है पूरा उद्धार। बची कुछ चीजें जो रह जाएंगी, खुदावन खुद आकर उसको निकाल देगा। हालेलुया, वो आपको फेवर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगला है आत्मा की तलवार। ज्यादा लंबा नहीं, हम समाप्त कर देंगे जल्दी। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का क्या है? वचन है। हालेलुया।